आज हम जाने वाले हैं सोलन। कैसा लग रहा है जंगलों में से आके? वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं सोलन। जैसे कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो कसौली वाली देखी है, तो कसौली से हम लोग सोलन आए हैं। कसौली में हमने डे वन स्पेंड किया था और डे टू अभी हम स्पेंड करेंगे सोलन में। अब यहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, यार कौन से स्पॉट्स हैं, तो सारा आपको ओवरव्यू देंगे। सोलन जो है चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे पड़ता है। तो कसौली से अगर आप आ रहे हो तो आपको अराउंड 1 आवर लगने वाला है। और अगर आप धर्मपुर में आपका होटल है और वहां से चेकआउट करके आप आते हो, जैसे कि हम धर्मपुर में हमारा होटल था, वहां से हमें अराउंड लगे हैं 40 मिनट्स यहाँ पहुंचने में। तो सोलन एक्चुअली गाइस इसका नाम जो है माता शूलिनी देवी जो यहाँ टेम्पल है उससे इसका नाम सोलन पड़ा है। और ये हिल स्टेशन बहुत फेमस है, इसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ मशरूम। जो मशरूम जो वेजिटेबल होता है, तो उसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो सोलन में होती है। और शूलिनी के नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, शूलिनी यूनिवर्सिटी। हाँ, उसकी काफी ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह है यहाँ पे हर जगह। तो अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। अभी हम फर्स्ट जो स्पॉट पे जाएंगे वो है जवाहर पार्क। तो अभी पहुंच के हम आपको सारा अपडेट देंगे। तो सारी प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जो है जवाहर पार्क। और यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसी ये स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। तो अगर आप अपना व्हीकल लेके आए हो तो आप ऊपर तक पार्किंग एरिया तक जा सकते हो, नहीं तो आपको बाय वॉक ऊपर तक ऐसी स्टीप चढ़ाई चढ़ के ही जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही बिल्कुल चिल्ड्रंस पार्क भी है यहाँ पे सोलन का। आप दोनों में से एक पार्क चूज कर सकते हो अपनी सिलेक्शन के हिसाब से, आपको क्या सही लगता है, चिल्ड्रंस पार्क जाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है या ये वाला पार्क। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके, हमने ये जवाहर पार्क सेलेक्ट किया और इसीलिए हम चिल्ड्रंस पार्क नहीं गए। गाइज, अभी हम सोलन में आ गए हैं जवाहर पार्क। और यहाँ की कोई एंट्री टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्किंग बिल्कुल बाहर ही लग गई है। और अगर आप पैदल आ रहे हो तो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, फिर तो आप बहुत थकने वाले हो। हम तो कार ले आए थे, ऑलमोस्ट गेट पार्क गेट तक की आ गई थी कार। हाँ हाँ, हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। बाकी पार्क की बात करें तो इतना मेंटेन नहीं किया हुआ अथॉरिटीज ने। और यहाँ फाउंटेन जो है, इट वॉज सपोज टू बी अ फाउंटेन, बट वो पूरी तरह सूखा हुआ है। और बाकी कुछ झूले हैं बच्चों के लिए, बेसिक झूले जैसे होते हैं। ग्रीनरी वगैरह बहुत है, फ्रेश एयर है काफ़ी, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी यहाँ, तो मौसम तो बहुत ही अच्छा है फिलहाल। yes. तो अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है, हाँ, तो यू कैन स्किप दिस प्लेस। हाँ, अगर यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम तब आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो। और इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बैठने के लिए स्पेस बनी हुई है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये है गाइस लक्कड़ बाजार सोलन का। और इसके बाद यहाँ से गुजरते हुए हम जा रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जटोली शिव टेंपल। जटोली जैसे इस मंदिर का नाम है, तो ये जटोली नाम आया है लॉन्ग जटा ऑफ लॉर्ड शिवा।
तो उनके जटाओं के नाम से ये जटोली शिव टेम्पल है। ये एशिया का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है और 6 किलोमीटर थोड़ा दूर पड़ेगा ये सोलन से, और काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 35 साल लगे थे, कहीं कहीं मेंशन ये भी है कि 39 ईयर्स लगे थे। इसका जो पूरा आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, जैसे कि ये सदरन द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। इस मंदिर की दोस्तों एक खास बात है कि यहाँ पे अगर आप पत्थरों को थपथपाते हो तो शिव जी के डमरू की आवाज़ आती है, और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च भी चल रही है कि ऐसा क्यों है, ये मंदिरों को ऐसा कैसे बनाया गया है कि उसमें ऐसी डमरू की आवाज़ आती है। तो हमने भी इवन ये जाके ट्राई किया था और सच में ऐसा है वहाँ पे। यहाँ पर आपको एक जल कुंड भी मिलेगा जहाँ पर जो पानी है वो कहा जाता है गंगा वाला ही वो शुद्ध पानी है, और उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट प्लेस विजिट फॉर यू। और हाँ फ्रेंड्स, इस मंदिर में बिल्कुल भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हमने कोई वीडियो वहाँ शूट नहीं करी। अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो है माता शूलिनी टेम्पल, जिसके नाम पर सोलन पड़ा है। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा है शूलिनी टेम्पल और करते हैं माता रानी के दर्शन। शूलिनी टेम्पल के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं मोहन हेरिटेज पार्क। तो ये बेसिकली एक टेम्पल है और साथ में हेरिटेज पार्क भी है। तो मैं यहाँ सोलन पहले आई हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ, और तब उस टाइम मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली जो मोहन हेरिटेज पार्क है वो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम। तो अभी मैं यहाँ दोबारा आ रही हूँ, तो देखते हैं कि पहले से हमें कितना डिफरेंस आया है। वो जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो रास्ता है वो पतला सा रास्ता है इसका, जैसे कि आप देख सकते हो, तो नैरो है पैसेज, थोड़ा सा रिस्की ड्राइव है यहाँ के। ये थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है सोलन के। यहाँ से रास्ता और खराब हो चुका है, और नैरो, और ये थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता आ चुका है। और यहाँ आप जब जाने लगते हो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, तो यहाँ पे एक ब्रिज आता है ये, और यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है रीवा वाटरफॉल। तो गाइस, अब हम आगे हैं रीवा वाटरफॉल, जो कि मोहन शक्ति पार्क से काफ़ी नज़दीक है, मतलब 10 मिनट की दूरी पे होगा। तो मतलब जो रास्ता है यहाँ के जाने का, वो बहुत ज़्यादा खराब है, नैरो है, एडवेंचरस है एक्चुअली। हाँ, एडवेंचरस है। तो ये अगर पीछे देख रहे हो, जाएंगे हम आगे। ये पीछे वाटरफॉल है, ये रास्ता अगर देख रहे हो, पीछे बंदा आ रहा है, देखो मतलब गाड़ी तो बिल्कुल नहीं जाएगी, चल के जाना पड़ेगा, बहुत ही नैरो है, मतलब पथरीला रास्ता है बहुत ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं, मैं देखता हूँ अगर जा पाते हैं तो। Let's see. तो ये है गाइस रास्ता, देखो कितना खराब सा है, ये देखो जरा हम कैसे आ रहे हैं। ओ हो 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 हो, इसमें तो कोई साफ बाप निकल आएगा। ये है नीचे वाटरफॉल, आपको आवाज आ रही होगी, ये रहा। तो ये देखिए, ये है आगे का रास्ता, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा यार, रास्ता है ही नहीं मेरे हिसाब से। हमने तो बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, हम तो यहीं से जा रहे हैं वापस, तो हम ही ना बह जाएं झरने में। और व्लॉग्स बनाने लायक नहीं रहेंगे फिर यार, टू मच नैरो पैसेज। कैसा लग रहा है जंगलों में से आके। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो है मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। तो ये बेसिकली एक टेंपल है, और इसमें साथ में बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, जिसको सोलन हेरिटेज पार्क भी बोलते हैं। इसका रास्ता काफ़ी ख़राब है, बहुत नैरो पैसेज है,
तो अगर आप थोड़ी आपकी बड़ी गाड़ी है जैसे सेडान है या एसयूवी है तो थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी जब आए हैं तो पार्किंग काफी स्पेशियस है यहाँ पे, तो हाँ। पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए, मतलब काफी स्पेशियस है पार्किंग, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और 20 रुपीज चार्जेस हैं पार्किंग के यहाँ पे। और ये जो हेरिटेज पार्क है ये बहुत बड़ा है, अंदर टेम्पल है, आसपास काफी ग्रीनरी है, काफी ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब ऑलमोस्ट ये वैली के अंदर, वैली के अंदर है। और पूरा मतलब आसपास आसपास कुछ नहीं है, बस पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, मतलब इतनी ड्राइव करके आओगे, तो आप ये सोचकर चलो कि स्पेशली आप इस हेरिटेज पार्क के लिए ही आ रहे हो, क्योंकि और कुछ आसपास यहाँ नहीं है, और सोलन के ही आउटस्कर्ट्स में है। तो अगर आप सोलन आ रहे हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो, शिमला आ रहे हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये दोनों ही रूट में अगर आप इसको क्लब कर सकते हो, अगर आपका प्लान है इन दोनों जगहों में किसी जगह जाने का। और सोलन से करीब आधा पौना घंटा लग जाता है इसको आने में वहाँ, आराम से आराम से। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे पहले हम गए थे शूलिनी टेम्पल, शूलिनी टेम्पल वाले ही सीधे रास्ते के बाद जो है ये वाला स्टार्ट हो जाता है रास्ता। तो बहुत नैरो है रास्ता और कम्प्लीटली वैली व्यू में है, आप नीचे 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 जाते रहते हो और आसपास बिल्कुल जंगल है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अपने साथ आप कुछ खाने पीने को रख लेना, अगर स्पेशली बच्चे हैं साथ में, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है रास्ते में यहाँ पे ना आते हुए। अब करते हैं पार्क में एंट्री और आपको बताते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो फ्रंट व्यू ही इसका बहुत अच्छा है। मैं यहाँ आई हुई हूँ पहले, तो हाँ। मुझे मतलब याद था कि बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, मैं शिमला गई थी, शिमला के साथ हमने ये क्लब किया था इसको, सोलन को। मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क इज फॉन्डली नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और कोई डाउट नहीं है इसमें, आप देख सकते हो इसके जो यहाँ स्कल्पचर्स बने हैं, जो ये POP से यहाँ एनिमल्स और ये जो बाकी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, इतने काबिले तारीफ हैं। और मंदिर की एक और बात है कि इतना साफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इतना साफ सुथरा, आपको क्लिनलीनेस तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पे है, बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो गाइज, इस हेरिटेज पार्क को बेसिकली वैदिक साइंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। गाइस, अब आपको दिखाता हूँ मंदिर के आगे वाला व्यू, बहुत ही कमाल का व्यू है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये देखिए, वाओ, ये देखिए एंट्रेंस, और ये जूम कर रहा हूँ, ये देखो, ये कृष्ण जी की है मूर्ति यहाँ पे रथ के साथ, काफी रियलिस्टिक लग रही है, बहुत ही ऐसे लग रहा है सच में आ रहे हैं वो। और बेस्ट पार्ट ये कि आज जन्माष्टमी है, और आज जन्माष्टमी है, बहुत सही टाइम पे आए हैं हम। क्या बात है यार, स्पेक्टेक्युलर व्यू, फिनोमिनल, दिल खुश हो गया एक बार। मंदिर आगे वैसे भी दिल खुश हो गया था, बट आज और भी ज्यादा हो गया। और ये स्कल्पचर्स आप देखिए कि कितने डिटेल्ड बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत डिटेल्ड बनाए हुए हैं। Oh my God, the view from here is really breathtaking. मतलब इतना soothing आँखों को लग रहा है ना यहाँ पे खड़े होकर कि कमाल का यहाँ पे view है actually.
इस हेरिटेज पार्क की शुरुआत हुई थी 2002 में दिसंबर में, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका फाउंडेशन रखा था। और इसको एक्चुअली बिल्ड किया है कपिल मोहन ने, जो ब्रिगेडियर जनरल हैं ऑफ इंडियन आर्मी के बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने इस विजन से इसको बनाया कि वैदिक साइंस को प्रमोट किया जाए फॉर यंग जनरेशंस। यहाँ अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, बट स्टिल हम थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि आपको ग्लिम्स दे सकें। हमने मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो कवर कर लिया है। अभी जितने भी वर्ड्स इसकी तारीफ में बोले जाए वो कम है। आपका सोलन का ट्रिप इनकम्प्लीट है अगर आप यहाँ नहीं आए हो। ये तो एक मेजर स्पॉट है सोलन के, अगर यहाँ नहीं आए तो बस फिर कोई फायदा नहीं सोलन आने। बहुत ही अच्छी जगह है और बैकड्रॉप हाँ। इतना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है आप जंगल में हो, पहाड़ों के बीच में हो। बस इससे अच्छा आपको व्यू ना पूरे सोलन पूरे कसौली में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा यार। हाँ, मंदिर के अंदर आके इतनी शांति मिली है, इतना मतलब बढ़िया लगा हमें, मन एक बारी प्रसन्न हो गया। सिर्फ बहुत बढ़िया। सोचो कि मंदिर में बेसिक जो भगवानों की मूर्तियां वही हैं। हाँ, उसमें आप अगर हम वीडियो आपके साथ पूरी शेयर करेंगे, ऑल्दो इतना कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था अंदर बिल्कुल मंदिर के प्रीमाइसेस में, बट हमने फिर भी ट्राई किया कि कुछ ग्लिम्स दें आपको। उसमें जितने भी जैसे हमारे हिंदू धर्म के मान लो देवी देवता हैं, काफी कुछ उसमें कवर्ड है, जिनका ज्यादातर मंदिरों में उनकी मूर्तियां नहीं होती हैं वो भी कवर्ड है। तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक अगर आप शिमला आ रहे हो, कसौली आ रहे हो, सोलन की तरफ आ रहे हो, इवन चैल भी, तो आप यहाँ जरूर आओ। तो अब इतना घूम फिर के हम काफी थक चुके हैं, तो चलो अब चलते हैं इस हेरिटेज पार्क के रेस्टोरेंट में। तो आपको चलो दिखाते हैं इसका रेस्टोरेंट कैसा है। तो इसी के साथ अब हमारा ट्रिप होता है एंड सोलन का। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा सोलन में। और यहाँ पे मोहन शक्ति पार्क में एक कैंटीन भी बनी हुई है, काफी ऑप्शन है, मतलब पास्ता तक भी आपको मिल सकता है यहाँ। हाँ, तो ये कुछ चार पांच है प्लेसेस, मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स जो आप कवर कर सकते हो अपने सोलन के ट्रिप में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, एंटरटेनिंग लगी। और अगर आपको एंटरटेनिंग लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज hit the like button and share with your maximum friends and don't forget to subscribe to our channel. Bell icon, जो bell icon है वो red color का, उसको वो दब जाना चाहिए। सोचो मंदिर की हाजिरी होगी।
बड़े टाइम बाद खा रहे हैं। हाँ सही है।